अभी विगत दिनों नीमच जिले में एक कन्हैया लाल भील आदिवासी के साथ में वहाँ के एक भाजपा के सरपंच द्वारा और उनके साथियों द्वारा निर्मम तरीके से एक तो बहरहमी से उस गरीब को पीटा गया। पीटने के बाद में उसके हाथ पैर बांध के उसके पिकअप के पीछे रस्सी बांध के उसको दूर तक के घसीटा गया। मतलब तालिबान जैसा राज मध्य प्रदेश में अभी चल रहा है, जंगल राज बन गया है। और इसकी मौत हुई है दर्दनाक मौत के देखते हुए आज हम शिवराज सरकार के विरोध में महामहिम राज्यपाल के नाम हमने ज्ञापन सौंपा है और उसमें निवेदन किया है कि अपराधियों पे जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उनके ऊपर फांसी की सजा हो और जितने भी अपराधी हैं उन पे उचित कार्रवाई की जाए। अगर ऐसी कार्रवाई उचित कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे शिवराज सरकार के खिलाफ प्रदेश स्तर पर माननीय कमलनाथ जी और विक्रांत भूरिया जी के नेतृत्व में आंदोलन किया जाएगा। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देशन पर आज भैंसदई युवा कांग्रेस के माध्यम से जो विगत दिनों नीमच जिले में एक कन्हैया लाल भील आदिवासी के साथ में वहां के सरपंच भारतीय जनता पार्टी के जो गुर्जर समाज से है उनके द्वारा एक आदिवासी गरीब की निर्मम हत्या की गई, बेरहमी से मारा पीटा गया और तो और उसको पिकअप के पीछे बांधकर दूर तक घसीटा गया जिसकी घसीटते हुए मौत हो गई। आज मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरीके से सरकार चलाने में नाकाम हो गई है और मध्य प्रदेश में जंगल राज पनपता जा रहा है। अपराधी बेखौफ होकर के घूम रहे हैं, अपराधियों में कानून का डर नहीं है। तो आज महामहिम राज्यपाल महोदय जी के नाम एसडीएम महोदय जी हम आपको ज्ञापन देते हैं और ज्ञापन देने के साथ ही आपसे अनुरोध करते हैं कि जो अपराधियों ने कन्हैया लाल आदिवासी को बेरहमी से मारा है, उसकी हत्या की निर्मम हत्या, उन सभी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फांसी की सजा हो और पीड़ित परिवार को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राहत राशि दी जाए और उनके परिवार के व्यक्ति को शासन में नौकरी दी जाए ताकि उस परिवार का भरण पोषण हो सके। और आज हमारे किसान भाई भी हमारे साथ में आए हुए लगातार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।